हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और ये वीडियो में हम आपको जॉब के बारे में बताने वाला कि वापस बहुत दिनों बाद, मुझे पता है बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीपक भाई नया वैकेंसी कब आएगा, तो नया वैकेंसी आ चुका है। तो ये है वैकेंसी जो भी है डिलीवरी बॉय के बारे में है। मैं सोचा कि मैं खुद आपको ये डिटेल बताऊँ, इससे अच्छा मेरे पास कुछ लोग हैं उनसे हम पूछेंगे कि आप कितना लोग कितना पैसा बनाते हैं और आप लोग भी कितना बना सकते हो। और बहुत लोग के ये डाउट थे कि मेरा वर्क परमिट क्यों नहीं आ रहा है, बहुत लोग के वीज़ा नहीं आ रहे। तो आपने मेरे पहले वाला वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके देख लो, इसमें मैंने ये बताया है कि क्यों लेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे समर वैकेशन चल रहे, तो लोग यहाँ पे पुलिस में जितने भी बंदे सब समर वैकेशन पे गए, तो लोग जब आएंगे अप्रूवल मिलेगा तो वर्क परमिट भेज जाएगी। और वीज़ा का भी सेम ही पीरियड चल रहा है, पहले ऐसा था कि 2 महीने में आता था, आज का थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। तो आप वेट मत, ज़्यादा टेंशन मत लो, 2 से 3 महीना बेसिकली वीज़ा का भी प्रोसेस हो गया, तो टोटल ये प्रोसेस 6 महीने का हो गया। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, सबका वर्क परमिट आएगा, सबका वीज़ा भी आएगा। तो चलिए अब जाते हैं हमारे पास एक एक हमारे पास बंदे, ठीक है। आप अपने पास सौरभ है, आकाश है और गौरव है, इतने लोग हैं। तो एक एक करके पूछते, पहले गौरव से बात करते। गौरव जस्ट अभी 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और गौरव ने कुछ 20 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। कितना घंटा काम करते गौरव भाई, पहले ये बताओ। वो तो भाई अपने पे डिपेंड है, आपको जितना अर्निंग करना है। मैं तो डेली 10 से 11 घंटा, 10 से 11 घंटा काम करते हो। कितना आपने ये महीने में कितना बनाया? मैंने 20 दिन काम किया था। 10 तारीख को मेरा शुरू हुआ था काम, मेरा TRC अप्लाई हुआ था, तो मैंने 10 तारीख से शुरू किया था। 20 दिन में मैंने 2200 यूरो बनाया। 2200 यूरो बना, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन कितना आएगा सैलरी सब कुछ कट फूट के? आपका 1200+ तक का आ जाएगा मेरा। 1200+ तक क्या आएगा? टैक्स रहता है मेरा, जैसे जॉब का यहाँ काम करते हैं, टैक्स वगैरह, अकोमोडेशन, स्कूटी रेंट, पेट्रोल, ये सब जो भी है हमारा कट करके 1100 यूरो आपका सैलरी आएगा। इजीली महीना हम 3000 कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आराम से भी डेली बंदा 80-70 भी कंप्लीट करे तो हो जाता है। बोनस वगैरह मिलता है वीकली, जैसे यहाँ पे 575 आप डिलीवरी करोगे मंथ की, तो 200 यूरो आपको बोनस हर हफ्ते में आपको, जैसे बोर्ड की तरफ से मिलता है हर हफ्ते में। जैसे 125 करोगे तो आपको 50 यूरो मिलेगा, या अगर आपसे 175 करोगे तो आपको 30 यूरो और मिलेगा, 225 डिलीवरी करोगे तो 30 और मिलेगा, 110 तो वीकली आपको मिलता है। तो हर चीज़ ठीक है, जैसा आपने बोला था, मैं तो बोला सबसे बेस्ट, अगर आप कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है उससे बेटर डिलीवरी का, क्योंकि डिलीवरी में आपके पास जितना दम है आप कमा सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि फ्रीडम दिया इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग अपार्टमेंट से आपको कुछ प्रॉब्लम है, जो हमने अपार्टमेंट दिया आपको स्कूटर दिया कुछ प्रॉब्लम, और इसका ये बेनिफिट है कि आप ये नहीं कि आपको ये टाइमिंग पे जाना है जॉब पे, ये जब आपका दिल करे तो वो ऑनलाइन हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपका दिल करे तो वो ऑफलाइन, आपको अगर 1 घंटा भी बीच में छुट्टी लेना है तो आप ऑफलाइन हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वर्ल्ड में एप्लीकेशन में ऐसी होता है कि जब आपको मन करे तब आप काम करो, जब आपका मन नहीं हो तो आप बंद कर सकते हो। और कंपनी किसी को भी फोर्स नहीं करती कि आप जाओ अभी काम करो, किसी को भी आज तक फोर्स किया आपको, इसको 20 दिन हुआ, इन लोग को 2-2 महीना, किसी को हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि तूने 5 डिलीवरी की, 20 डिलीवरी की, एकदम फ्रीली सबको रखते हैं कि धीरे धीरे पता चले कि आपको, हमें पता शुरुआत में सबको टाइम लगता है सीखने में, इसलिए हम सबको टाइम देते हैं कि आप 45 डेज टाइम लो, सीखो, अगर आपको नहीं जम रहा तो बात अलग है, पर ऑलमोस्ट बहुत आसान काम है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है काम में। और जितना हमें पता है क्रोशिया के बारे में, ये जॉब बेस्ट है। तो ये आकाश है, ठीक है। Hello. आकाश, आपने मेरे मुंबई वाले वीडियो में देखा होगा उसको, इसको 2 महीने हो चुके हैं, तो पहले महीने में कितना बनाया था आपने? पहले महीने में ऑलरेडी 800 यूरो बना चुका, क्योंकि मैं नया था, रोड वोड सब बनने में थोड़ा टाइम लगा इसलिए। और दूसरे महीने में मैं ऑलरेडी 1300 यूरो बना चुका हूँ, सब काट पीट के हाथ में। तो इसमें ऐसा होता है कि देखो, जो भी जब आप आते हो तो देखो, टैक्स जो होता है वो आपको ही पे करना होता है, तो आपका टैक्स का पैसा कटता है, आपका अपार्टमेंट आपको जो कंपनी देती है, आप खुद भी जाओगे तो आपको रेंट तो रहना पड़ेगा, तो उसका रेंट पे करना पड़ेगा, फिर आप स्कूटर भी लोगे तो आपको उसका भी तो पे करना पड़ेगा। ऐसे बेसिक चार्जेस जो आपको पे करने ही पड़ते, ठीक है, ये होता है। और 90-10 में कैसा होता है कि जो 90% वो अर्निंग आपका होता है, 10% वो एजेंसी चार्ज करती है, वो कहीं भी आप क्रोशिया में चले जाओ 10% एजेंसी चार्ज करती है, बिकॉज आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। इसलिए 90-10 का डिटेल, 90% में आपका जो अपार्टमेंट कटता है, स्कूटर कटता है, अगर आप सिम कार्ड यूज़ करते हो, जो भी आपके बेसिक चार्जेस वो कटते, तो ये रहता है। तो इसमें आप कम से कम अगर 3000 यूरो आप, मतलब कितना करो, कितना घंटा काम करो, तो अपन 3000 यूरो बना लेंगे। 10 घंटे डेली करेंगे, 3 घंटा हो जाए।
अगर 10 घंटा 3,000 यूरो बन जाएगा तो 3,000 में आपका टैक्स सब कुछ काट फिट के भी कितना हाथ में आएगा, क्या लगता है? 1800 से 1800 यूरो आएगा ही आएगा। और अभी क्या है कि समर वैकेशन चल रहा है, तो अभी यहाँ पे ऐसा है कि बारिश नहीं है तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो, टूरिस्ट आएंगे तो ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, ये है। तो ऑर्डर की कभी कभी होती नहीं है, महीने में एक आध दिन ऐसा होता है कभी ऑर्डर कम भी आते हैं, तो ऐसा बुरा नहीं मानना होता है, होता रहता हर जगह कि कभी ज़्यादा ऑर्डर आए, कम ऑर्डर आएंगे डिपेंड्स। और यहाँ कुरशा में खाली एक वेदर चैलेंज होता है कि यहाँ पे बारिश में थोड़ा काम स्लो हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ठंडी से सहन कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो तो कमा सकते हो। फिर सौरभ मुखर्जी, सौरभ ने 2 महीना ही हुआ है, बट मैं और आकाश साथ में, ये दोनों साथ में आए थे। बट सौरभ के साथ ऐसा होता कि इसने 15 दिन 20 दिन काम किया था उसने, उसके बाद इंजर्ड हो गया था। तो पहले ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था इंजरी में, आपको हमारी तरफ से कितना हमने हेल्प किया, सैलरी से लेके बताओ। इंजरी जैसे ही हुआ तो आप लोगों ने टेक केयर किया, वो जैसा भी होना था हॉस्पिटल में जो होना था वो हम हॉस्पिटल गए, साथ में गए, उसमें कराया जो भी इंजरी का प्रोसीजर था हॉस्पिटल से आया, उसके बाद कंपनी के तरफ से जो भी लॉ होता है उसमें सिक लीव अप्लाई हो गया, राइट। और उसके बाद मैं 45 डेज अराउंड सिक लीव में ही था, बेड रेस्ट में, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकता क्योंकि उसका लेग इंजर्ड था, तो जॉब नहीं कर सकता ऑब्वियसली, और कोई इसको फोर्स भी नहीं कर सकता, हम फोर्स कर सकते ना, कंपनी कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। जब तक सौरभ ना बोले कि मैं ठीक नहीं हूँ, तब तक उसका, जैसे उसने बोला कि मुझे, मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे अब सिक लीव खत्म करना है, तो हमने उसका सिक लीव खत्म किया। अभी एक तारीख से ही मैंने स्टार्ट किया, एक तारीख से शुरू कर लिया, आई थिंक 500 यूरो 10 दिन में बना भी लिए रहेंगे, 550 यूरो 10 दिन में उसने बना भी लिया। अभी जस्ट पैर बस उसका अभी नया ना, तो उसको हमने बोला स्लोली स्लो काम कर, इतना फास्ट मत कर क्योंकि तकलीफ नहीं होना चाहिए पैर को। तो उसको जितने भी दिन ये घर पे बैठा था, तो उसको हमने बेसिक सैलरी दी है हमारी तरफ से, जो हम बेस्ट कर पाए, कंपनी की तरफ से जो बेस्ट कर पाए हमने उसको दिलाया। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस तुम्हारा सबका? लेकिन यहाँ पे आके ये देख रहे हैं कि हमारा, अगर हम कर सकते हैं तो हम 1.5-1.5 लाख आराम से बेच सकते, आराम से बना। बेसिकली मेहनत का जॉब है गाइस, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे पैसा मिलेगा। जिसको पैसे की भूख हो, जिसको हार्ड वर्क करने का शौक हो, यही कमा सकते हैं। और पूरे क्रोशिया में सबसे ज़्यादा अगर पैसा बनता है तो डिलीवरी बॉय के बिजनेस में भी बनता है, ये सबको पता है, सबको पता है। बट बहुत लोग मिसगाइड करते लोगों को कि नहीं यहाँ पे इतना पैसा नहीं बनता है, तो गाइस उन लोगों ने काम ही नहीं किया है और 4 दिन काम किया और फिर लोगों को बोलते इसमें नहीं बता। इन लोगों को लोग मिलते भी ऐसे बहुत लोग, इनको यूट्यूबर भी लोग मिलते हैं, इनको बीच में बोलते कि अरे जॉब छोड़ दो, उसमें पैसा नहीं है, मैं आपको दूसरा जॉब लगा के देता हूँ। तो बहुत लोग इन लोग को नेगेटिव भी करते हैं, तो मैंने उनको बोला कभी भी किसी की बातों में नहीं आने का, आपको दिल से जो अच्छा लगे आप वो करो, आपको ये जॉब अच्छा लगता है ये जॉब करो। सबको हमने फ्रीडम दिया, किसी को ऐसा नहीं कि सबको अंदर हमने दबा के रखा है, सबको टारगेट से फ्री कर दिया हमने कि आपको जितना काम करना करो, आपको सैलरी आएगा, आपको जितना भूख लगे उतना ही खाना होता है, ऐसा है, ठीक है। तो गाइस ये पूरा लाइव प्रूफ है, ठीक है। तो मैं इनके जरिए आपको ये बताना चाहता था कि आप लोग ये डिलीवरी की बिज़नेस में कितना सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग आपने देखे होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो बहुत झूठ बोलते हैं कि इतना पैसा नहीं बनता, पर ये लाइव प्रूफ है। जो बंदा 1 महीने में भी है, अपने पास 2 महीने वाला बंदा भी था, तो सब ने अपना अपना बताया, जो भी था उन्होंने रियलिटी बताया। तो मेरे पास 50 वैकेंसी है, जिनके पास PCC रेडी हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरी मेल आईडी पे मुझे इनका PCC ये करे, फिर हमका इंटरव्यू हम करेंगे। इंटरव्यू के बाद जैसे ही इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, तो बेसिकली सब डर जाते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है। देखो इंटरव्यू में ये होता है कि आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के बारे में, आपको इंग्लिश कितना आता है, आपका इंग्लिश 50% भी रहा बस हो गया, तो हम बेसिक आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, आपने दे दिया, फिर हम आपको सब कंडीशन बताएंगे कैसा कंडीशन होता है, जैसे इनको पता है वैसे आपके साथ होगा। फिर 3 से 4 महीने आपको वेट करना है वर्क परमिट के लिए, और फिर वीज़ा के लिए 2 से 3 महीना वेट करना है। टोटल 6 से 7 महीने का प्रोसेस रहेगा गाइस। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 8वीं पास भी चलेगा, 10वीं पास भी चलेगा, 12वीं भी चलेगा, बट इंग्लिश में होना चाहिए। और PCC बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल भी चलेगी और पासपोर्ट वाली भी चलेगी। तो जिन जिन को इंटरेस्ट होगा इस, मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे इंस्टाग्राम करें, मुझे फेसबुक करें, मुझे मेल करें। तो चलिए गाइस जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहना, सेफ रहना, दुआ में याद रखना।